ये एक ऐसी बीमारी है जो वाकई सुनने में तो ये शब्द काफी छोटा लगता है, लेकिन इंसान को हर तरह से हिलाकर रख देता है, इंसान को हर तरह से वीक कर देता है। और अगर किसी माँ बाप के प्यारे से नन्हे से बेटे को, उनके बच्चे को कैंसर हो जाए तो उससे बड़ा दुख शायद ही कोई और होगा। और बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर हैं जिनके बेटे को कैंसर था, पिछले 5 साल से वो कैंसर की जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब वो एक्टर कौन है, वो आज हम आप सभी को अपने इस खास प्रोग्राम में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध, और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सीरियल किसर कहलाए जाने वाले इमरान हाशमी के बारे में। दरअसल इमरान हाशमी के प्यारे से नन्हे से बेटे आयान को कैंसर था, वो पिछले काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन अब इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को एक काफी बड़ी खुशखबरी दी है कि अब फाइनली उनके बेटे का कैंसर पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गया है। और ये खबर सुनने के बाद हर कोई खुशी से फूले नहीं समा रहा, क्योंकि प्यारे से बेटे आयान के कैंसर से इमरान हाशमी कहीं ना कहीं टूट गए थे, और उन्होंने हिम्मत दिखाए रखी, और आज वही हिम्मत आज उनके बेटे को कैंसर के मुंह से निकाल कर वापस लेकर आ गया, और उनके बेटे को एक नई जिंदगी मिली। तो फिर आइए डालते हैं नजर आज के हमारी इस खास रिपोर्ट पर, और देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से इमरान हाशमी ने अपने बेटे की बीमारी ठीक होने के बाद किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर किया है। बॉलीवुड में जिस तरह से एक के बाद एक बड़े सितारे को कैंसर की खबर सामने आ रही है, वो वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग है। पहले सोनाली बेंद्रे, इरफान खान, उसके बाद ऋषि कपूर, राकेश रोशन जैसे बड़े सितारों को कैंसर हुआ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली तीनों तरह से तोड़ कर रख देती है, और ऐसे में जब एक 8 साल के बच्चे को कैंसर हो जाए तो उस माँ बाप के लिए ये वाकई काफी ज्यादा दुखद समय होता है। जहां बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े लोग कैंसर से जंग जीत नहीं पाते, वहीं इमरान हाशमी के बेटे ने कैंसर से जंग जीत ली है। और इस बड़ी खुशखबरी को इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है, जहां एक तरफ सोनाली बेंद्रे, इरफान खान, ऋषि कपूर, राकेश रोशन जैसे बड़े सितारे कैंसर से जंग लड़ चुके हैं, तो वहीं कैंसर से जंग इमरान हाशमी के बेटे आयान हाशमी भी लड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि आयान हाशमी को 5 सालों से कैंसर था, लेकिन अब 5 साल के बाद आयान का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी के बेटे का अब कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है। इमरान हाशमी ने ये खुशखबरी ट्विटर के जरिए सभी के साथ शेयर की है कि उनका बेटा अब कैंसर फ्री हो गया। बेटे के साथ इमरान ने बेहद ही खूबसूरत और खुशनुमा तस्वीरें भी शेयर की हैं, सभी की दुआओं को शुक्रिया अदा भी किया है। आपको बता दें कि इमरान हाशमी ने अपने बेटे के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर ट्वीट किया, आज 5 सालों बाद आयान को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, ये एक सफर की तरह रहा, आप सबकी दुआ और प्रार्थना के लिए धन्यवाद, कैंसर से लड़ने के लिए आपका प्यार और प्रार्थना काम आई, आशा करता हूँ और विश्वास है आगे बहुत कुछ करना है, तुम इस बैटल को जीत सकते हो। इसके साथ ही उन्होंने द किस ऑफ लाइफ हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। आपको बता दें कि इमरान हाशमी बेहद खुश हैं कि अब उनके बेटे का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है। खबरों की माने तो आयान अभी 8 साल के हैं और पिछले 5 सालों से उन्हें कैंसर था, और जिस तरीके से इतनी कम उम्र में आयान ने कैंसर से जंग जीती, वो वाकई बाकी कैंसर पीड़ित लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। जहां एक तरफ आयान ने कैंसर से इतनी कम उम्र में जंग जीत ली, तो वहीं अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी लोग बॉलीवुड में कैंसर से जंग लड़ रहे हैं, वो भी
आयान को देखकर अपने अंदर हिम्मत लेकर आएंगे और कैंसर को जरूर हरा पाएंगे। जिस तरीके से इमरान हाशमी के बेटे ने हिम्मत दिखाई और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से एक जंग लड़ी, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि जैसे ही इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बेटे के ठीक होने की खबर सबको सुनाई, वैसे ही सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें बधाइयां भी देते हुए नजर आए, साथ ही उनके बेटे को खूब आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी की अगली फिल्म चीट इंडिया है, जो 18 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इससे पहले ही इमरान को खुशी वाली खबर मिल गई। इमरान के लिए इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती कि उनके बेटे अब कैंसर फ्री हो गए हैं। जी हाँ, पिछले साल बी टाउन से हैरान कर देने वाली खबर कैंसर को लेकर सामने आ रही थी। पहले अभिनेता इरफान खान को कैंसर होने की खबर सामने आई थी, वो इसके इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं। इसके बाद अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर हो गया था, जिसका इलाज उन्होंने न्यूयॉर्क में करवाया। वहीं आपको बता दें कि उनके पति गोल्डी बहल उनके साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहे और अब सोनाली बेंद्रे कैंसर से जंग जीत कर अपने देश वापस लौट कर आ चुकी हैं। तो वहीं पिछले ही दिनों फिल्म मेकर राकेश रोशन को थ्रोट कैंसर का पता चला, जिसकी हाल ही में सफल सर्जरी हो गई है। वहीं हम यही उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से इमरान हाशमी के बेटे आयान को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, वैसे ही ये बड़े सितारे भी अब जल्द ही कैंसर से फ्री यानी कि मुक्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे तो ठीक हो गई है, वहीं जिस तरह से आयान का कैंसर ठीक हुआ है, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी, उसी तरह से इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े बड़े सितारों को जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उन्हें आयान से वाकई इंस्पायर होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अगर बात की जाए इरफान खान की, तो आपको बता दें कि इरफान खान लंदन में अपने कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पिछले काफी वक्त से उनकी बीमारी को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इरफान खान भी जल्द से जल्द अपना कैंसर ठीक करके अपने देश वापस लौट कर चले आए। और जिस तरह से इमरान हाशमी ने अपने बेटे के कैंसर ठीक होने की ये बड़ी खुशखबरी फैंस को दी है, उसी तरह से इरफान खान भी अब जल्द ही फैंस को एक बड़ी खुशखबरी देकर भारत वापस लौटे। वहीं ऋषि कपूर भी न्यूयॉर्क में इलाज करवा रहे हैं, हालांकि उनकी बीमारी कौन सी है इस बात की अभी कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषि कपूर को कैंसर है और वो उसी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं जहां पर सोनाली बेंद्रे अपने कैंसर का इलाज करवा रही थी। वेल, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारी किसी भी इंसान को ना हो और जो अभी फिलहाल कैंसर से जंग लड़ रहा है उन्हें वाकई इमरान हाशमी के बेटे आयान हाशमी से इंस्पायर जरूर होना चाहिए। ना तो इमरान हाशमी ने और ना ही उनके बेटे ने और ना ही उनके पूरे परिवार ने हिम्मत तोड़ी, हिम्मत बनाए रखी, और आज उसी हिम्मत की वजह से आयान बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उन्हें अब कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। वेल, दोस्तों, तो देखा आपने कि इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने बेटे आयान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और साथ ही साथ कैप्शन में उन्होंने ये लिखकर बताया है कि उनके बेटे का कैंसर अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। 5 साल से उनका बेटा कैंसर से जंग लड़ रहा था। जहां बड़ों बड़ों को अगर ये बीमारी हो जाती है, वो इस बीमारी से जंग नहीं लड़ पाते, और ऐसे में उनके बेटे ने कैंसर से जंग लड़ी, ये वाकई काबिले तारीफ है। वेल, हम यही उम्मीद करते हैं कि इमरान हाशमी के बेटे हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, बॉलीवुड से जुड़ी कई और तमाम मज़ेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।